हे गाइस गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देव हुई करियर पॉइंट आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पहला प्रणाम तो देखिए दोस्तों यूके ट्रिपल एस सी देर आए लेकिन दुरुस्त आए काफी लंबे समय के बाद पहली बार ऐसा हुआ पिछले एक साल के बाद कि यूके ट्रिपल एस सी ने फरवरी में कोई एग्जाम कराया और जुलाई माह में उसका फाइनल रिजल्ट दिया इस बार थोड़ा टाइम लगाया इन्होंने हालांकि इकतीस दिसंबर वाले एग्जाम में भी टाइम लगाया था बट इस एग्जाम को इन्होंने जल्दी ही रिजल्ट पब्लिश करना था क्योंकि इसमें प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी होता है ठीक है तो जो हमारा पशुधन प्रसार अधिकारी था और साथ ही अधिदर्शक और प्रदर्शक रेशम और निरीक्षक रेशम कि इसके पद पे ये परीक्षा हुई थी 11 फरवरी को जैसे कि आप देख सकते हैं तो इसमें आपका रिजल्ट आ चुका है आपका किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ ये भी इसमें दिया गया जैसे रोल नंबर एक जो है वो आप देख सकते हैं इसमें रोल नंबर मतलब सीरियल नंबर एक में तो इनका जो सिलेक्शन हुआ है निरीक्षक रेशम में हुआ है ठीक है मतलब निरीक्षक का मतलब होता है इंस्पेक्टर बने हैं रेशम विभाग में ओपन कैटेगरी में सेवेंटी थ्री मार्क्स से है इनके ऐसे ही देखिए पशुपालन विभाग में जिनका पशुधन प्रसार अधिकारी उनका पशुधन प्रसार अधिकारी के रूप में चयन हुआ होगा हालांकि पशुधन प्रसार अधिकारी में जिनका चयन हुआ है उनको ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है और ट्रेनिंग के बाद फिर उनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिलती है इसमें ठीक है और कट ऑफ आप देख सकते हैं कट ऑफ नीचे ही गिरते जा रही है क्योंकि इसमें पेपर जो था साइंस बैकग्राउंड का था और साइंस यूके ट्रिपल एस सी थोड़ा ठीक ठाक पूछता है भाई और कंपटीशन आपको पता ही है फिर कम हो जाता है क्योंकि प्रश्नों का जो स्तर है काफ़ी अच्छा रहता है तो आप देखते हैं कट ऑफ देखिए इसलिए जो सब्जेक्टिव पेपर होता है ना उसमें जो कट ऑफ कम रहती है जो आपका जनरल पेपर होता है जिसमें हिंदी उत्तराखंड जी सामान्य अध्ययन और रीजनिंग पूछी जाती है उसकी कट ऑफ अपेक्षाकृत ऊँची रहती है इन पेपरों से इसमें आप देख सकते हो जैसे लास्ट एक बात करें दोस्तों जैसे एच टी बीमन को ही लेते हैं हम देखिए थर्टी नाइन में भी आपका सिलेक्शन हुआ है अधिदर्शक दशक रेशम में ठीक है और अगर जनरल की भी बात करें दोस्तों इससे कम गई होगी आप अगर देखें ओपन कैटेगरी में भी आप देख लो भाई कट ऑफ उतनी नहीं गई होगी ठीक है देख लेते हैं एक बार ठीक है मेल जनरल में अगर हम देखें तो सत्तावन तक यहाँ पे आप देख सकते हैं ये? ठीक है मेल जनरल सत्तावन तक आई है ओबीसी में सत्तावन भी है देखिए और और उससे भी नीचे गई होगी आप देख सकते हैं और लास्ट कट ऑफ आप देख देखते थर्टी नाइन यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई टेक्निकल एग्जाम देते जैसे कि ये वाला आया जिसमें ट्वेल्थ है ट्वेल्थ uh, साइंस का पूछा जाता है और ऐसे अभी एक पोस्ट आने वाली है आपकी वन दरोगा फिर से ठीक है नई फॉरेस्ट गार्ड और वन दरोगा की भर्ती आने वाली है तो वन दरोगा में भी जो होता है साइंस का ही पेपर बनता है आपका इसके अलावा स्केलर की जो आपकी uh, स्केलर वाला एग्ज़ाम है उसमें भी आपकी साइंस पूछी जानी है तो बहुत से ऐसे एग्ज़ाम है ना जिनमें साइंस का पोर्सन पूछा जाता है या मैथ्स पूछी जाती है जैसे उत्तराखंड पुलिस हेड कॉन्स्टेबल आता है हेड कॉन्स्टेबल टेलीकॉम वाला उसमें ट्वेल्थ चाहिए आपका पी के साथ और आपका साइंस पूछी जाती है कट ऑफ उसकी जनरल पुलिस या सिविल पुलिस की जो कांस्टेबल भर्ती होती है उससे कम रहती है तो यानी कि इसमें आप अगर अपने सब्जेक्ट में मास्टर बनते हैं तो सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा हैं ठीक है, है? खैर भाई देवे जिनका भी इसमें सिलेक्शन हुआ है भाई इन इन बातों को एक तरफ रखता हूँ मैं और जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं आप अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें भाई बहुत अच्छा आपने यहाँ पे प्रदर्शन किया है और देखिए निरीक्षक की जो इसमें पोस्ट है बहुत अच्छी पोस्ट है ये ठीक है जो आप देख रहे हैं ना इंस्पेक्टर रेशम विभाग का इंस्पेक्टर बनना एक वन डे एग्जाम को देकर इंस्पेक्टर का मतलब आप सभी लोग समझते ही हैं एक बड़ी पोस्ट है ग्रेड पे को हर बार नहीं देखना आपने कई बार क्या होता है कि जो ग्रेड पे है वो कम होता है बट जो अहदा है वो बड़ा होता है तो कभी कभी आपको पैसे के पीछे ही नहीं भागना है आपकी जो रेपोटेशन है जो सोसाइटी में रिकग्निशन है जॉब की आपको उसको भी देखना है ठीक है तो अच्छी पोस्ट है भाई और पशुधन अधिकारी की जो पोस्ट होती है ये भी बहुत बढ़िया पोस्ट है ठीक है आप ट्रेनिंग करेंगे इसमें जो भी सिलेक्ट हुए हैं उसके बाद आपको पोस्टिंग इसमें मिल जाएगी बाकी यार यूके ट्रिपल एस के नए फॉर्म कब तक आएंगे इसके बारे में बहुत सी क्वेरीज आ रही हैं आजकल मेरे को व्हाट्सअप पर टेलीग्राम पे तो नए फॉर्म आपका भैया अगस्त तक ही आएंगे अगस्त सितंबर में इसके नई फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आनी है उसके अलावा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल है वन दरोगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसकी भर्ती है नया कनिष्ठ सहायक की भर्ती आनी है ठीक है उसके अलावा भी अन्य कुछ पोस्ट हैं जिन पे जल्दी ही मैं एक अलग से वीडियो दे दूंगा तो आप लोग मेहनत करते रहे तैयारी करते रहे आपको नई वैकेंसी और नई पोस्ट जल्दी ही देखने को मिलेंगे सो so गई यहीं पर मैं सेशन को समाप्त करता हूँ जल्दी आपसे मुलाकात होगी थैंक यू फॉर वॉचिंग जिंदगी में हमेशा उम्मीद बनाए रखें क्योंकि उम्मीद जो होती है दोस्तों आपके और आपकी सफलता के बीच में ना आपकी मेहनत और उम्मीद ही है जो आपको जोड़े हुई है और उस उम्मीद को कभी मत खोना नेगेटिव लोगों से डिमोटिवेट मत होना हमेशा मोटिवेशन होना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए दृढ़ता होनी चाहिए और साथ ही पेशेंस होना चाहिए ये चार चीजें आपके अंदर है तो कोई भी एग्जाम को क्रैक करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको अपने आप हाँ पे भरोसा रखना चाहिए बस ठीक है एक दिन आपका ऐसे ही नए लोग जो देख रहे हैं ये चीजें आप फॉलो करेंगे तो आपका भी ऐसे ही सिलेक्शन लिस्ट में नाम होगा इसी आशा के साथ जल्दी मुलाकात होगी जिनका पीसीएस प्री का एग्जाम है भाई फोर्टीन वाला उनके लिए टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन स्टोर पे है आप लोग इनरोल कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को लगा के जाइए दस फुल लेंथ लेपर दे के पहले साथ ही करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है तो करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए कोर्स है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ इसको भी आप इनरोल कर सकते हैं एक अच्छा खासा रिविजन आपका एग्जाम से पहले हो जाएगा सो so सोगाइ यहीं सेशन समाप्त करता हूँ जाने से पहले अमित की तरफ बोलूंगा अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग जय हिंद जय देवूमि